नमस्कार श्रोताओं, तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के प्रमुख खबरें। शाही अंदाज में निकली नरसिंह भगवान की जलेब, सैंज के देवी देवता हुए शामिल। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की कुल्लू में धूम मची है। दशहरा के चौथे दिन भगवान नरसिंह की तीसरी जलेब शाही अंदाज में निकली। भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह पालकी में सवार हुए। ढोल नगाड़ों की थाप पर सैंध घाटी के देवताओं के संग देवलू भी झूमे। जलेब का भव्य नज़ारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। इससे पहले करीब 4 बजे राजा की चारणी के पास जलेब की तैयारियां शुरू हुई। सैंध घाटी के 5 देवी देवता राजा की चारणी के पास एकत्रित हुए, फिर जलेब चलना शुरू हुई। आगे आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी चली और पीछे जलेब का लाभ लश्कर चला। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे तरलोक सिंह चौहान, राजीव शकधर इस दिन होंगे रिटायर। हिमाचल हाईकोर्ट के जस्टिस तरलोक सिंह चौहान प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होंगे। 18 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर के सेवानिवृत्त होने पर हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को यह जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले 20 अप्रैल 2023 से 29 मई 2023 तक इन्होंने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक का पद संभाला था। L&T ने मुख्यमंत्री राहत कोष को दिए 3,50,00,000 रुपए, मुख्यमंत्री ने व्यक्त किया आभार। लार्सन एंड टर्बो के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए लगभग 3,50,00,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए कंपनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कंपनी को प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को भविष्यानुमुखी तकनीकों के हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए हाइड्रो पावर, खाद्य प्रसंस्करण, डाटा स्टोरेज, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सराहा से पुल बाहर जा रही कार 400 मीटर गहरी खाई में गिरी, 3 लोगों की। हिमाचल के शिमला जिले के चौपाल पुल बाहर मार्ग पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा बीती रात करीब 12:45 पर हुआ। तीनों युवक जुब्बल क्षेत्र के रहने वाले थे। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सराहा से पुल बाहर जा रही HP 10C0476 नंबर की कार लिहाड़ गांव के पास अचानक अनियंत्रित होकर शहर ढांग से लुढ़ककर करीब 400 मीटर नीचे जलोना खड्ड में जा गिरी। गाड़ी गिरने की आवाज़ सुनने के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और हादसे की सूचना चौपाल पुलिस को दी। पुलिस की टीम भी रात 3 बजे तक घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से तीनों शवों को सड़क तक पहुँचाया। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 7,950 विद्यार्थियों ने किया आवेदन। ऊना जिले से सर्वाधिक 1,301 आवेदन पहुंचे। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना की आवेदन प्रक्रिया में इस बार लाहौल स्पीति पिछड़ गया है। ऊना जिला से 1,301 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। लाहौल स्पीति से महज 25 विद्यार्थियों ने मॉडल बनाने के लिए अपने आइडिया दिए हैं। पूरे प्रदेश से 7,950 विद्यार्थी ने आवेदन किया है। पूरा में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई थी, लेकिन कम आवेदनों के चलते इसे बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया था। स्कूली बच्चों में रचनात्मक और नई सोच को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इंस्पायर अवार्ड मानक योजना शुरू की है। योजना में कक्षा 6 से 10वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। मॉडल बनाने के लिए विद्यार्थी अपने आइडिया देते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान विषय पर मॉडल तैयार करने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 7 और 8 नवंबर को बुलाया DC और SP का सम्मेलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 और 8 नवंबर को उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन बुलाया है। यह राज्य सचिवालय के आमदेव भवन शिमला में होगा। 7 नवंबर को बिलासपुर, ऊना, चंबा और सोलन के उपायुक्त भाग लेंगे। इसके अलावा इन 4 जिलों के अलावा पुलिस जिला बद्दी ब्रोटीवाला नालागढ़ के पुलिस अधीक्षक भी शामिल होंगे। 8 नवंबर को हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, शिमला, किन्नौर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति के उपायुक्त इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो इन जिलों के अलावा नूरपुर और देहरा से भी पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन एक बार आगे टाल दिया गया था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी जिलों के तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सीमाई क्षेत्रों के मसलों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, सुखू सैलरी देने की भी घोषणा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री। मंडी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में चल रहे रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने के चक्कर में प्रदेश सरकार जानबूझकर अड़ंगे डाल रही है, जिससे तेजी से तैयार हो रहे यह प्रोजेक्ट अब बंद होने के कगार पर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ऐसा रवैया अपना रही है। ठाकुर ने कहा कि ऐसे बड़े कार्यों के लिए केंद्र और प्रदेश की हिस्सेदारी रहती है, उसके पश्चात ही रेलवे विस्तारीकरण का कार्य सुचारू होता है, लेकिन हिमाचल की सुखू सरकार इन पैसों को नहीं दे रही है, जिस कारण रेलवे लाइन के कार्य में विलम्ब हो रहा है। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू केंद्र पर दोष देना छोड़े और रेलवे लाइन के कार्य हेतु प्रदेश की तरफ से तय राशि को शीघ्र जारी। सरकार बिना तैयारी 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती हाईकोर्ट। हिमाचल प्रदेश सरकार बिना तैयारी के 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला देने से मना नहीं कर सकती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने से पहले प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 को जारी सूचना के तहत दिए सुझावों पर चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधरो, न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के मामले में यह फैसला दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को एक विशेष तरीके से लागू करने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना है। HRTC बस में 5 किलो पर 1/4 50 किलो सामान भेजने पर लगेगा पूरा टिकट। त्योहारी सीजन में हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में सामान ले जाना महंगा पड़ेगा। HRTC ने बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान, सब्जियां, फल, फूलों के बक्से और अन्य सामान ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। इसमें बैग या बॉक्स में किसी भी आकार का ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई सामान, फल, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाइयां और मेडिकल उपकरण शामिल हैं। बता दें कि नए निर्देशों के अनुसार अब अगर कोई सवारी अपने साथ 5 किलोग्राम तक का सामान लेकर सफर करती है तो उसे यात्री किराए का 1/4 चुकाना होगा। 6 से 40 किलो सामान पर आधा टिकट और 41 से 80 किलो पर पूरा टिकट लगेगा। अगर आप सफर किए बिना बस में सामान भेज रहे हैं तो 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का 1/4 चुकाना पड़ेगा। 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना होगा। 21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है तो 2 यात्रियों का किराया काटा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते की अधिसूचना जारी, ऐसे होगा एरियर का भुगतान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता जारी करने के आदेश दे दिए हैं। सरकार के वित्त विभाग की ओर से आज इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या फिनसी 20/7/1/2021 जारी किया है। इसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1 अक्टूबर 2024 से महंगाई भत्ता मौजूदा दर 38% से 4% बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया गया। यह आदेश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और UGC वेतनमानों के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।